हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जोया। वेलकम टू जोयाज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम जाएंगे मेरे पापा के पास, मतलब उड़ीसा में पापा जहाँ पे रहते हैं। तो आज 5 साल बाद वहाँ पे जाएंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोगों को दिखाएंगे पापा कैसे रहते हैं, सब कुछ वगैरह वगैरह दिखाएंगे। तो मैं हो गई हूँ रेडी और सब अभी भी रेडी हो रहे हैं। तो फिर चला चल रहे हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं। दिल में धक 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 कर रही है। जब मैं छोटी थी तब आई थी लास्ट बार। अभी कुछ दिन रह लेना। हमारे तो पड़ी चाहिए कुछ ना हुआ। ए जे कहाँ तो और बैठी है दादा। छोटा ना। अबे इतना बड़ बड़ ले। ये इतना बोले है इसे को। चले और एक ना एक ना रहना। हाँ और एक तो बड़ी है कि वो नहीं आए। नहीं अच्छा मुर्गे का तो मैं खाए लूँगा। कहते हैं हमें है बहुत शादी कर। वही जाना गुड मॉर्निंग। और कल रात हो गया था आने में, तो हम वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि अंधेरा था। तो आज दिखाएंगे, अभी टाइम है 7 और अभी हम दिखाएंगे मेरा घर आसपास सब कुछ दिखाएंगे। तो चलो फिर देखते हैं। फ्रेंड्स, ये देखो सामने रोड है और ये यहाँ पापा रहते हैं। पापा ये देखो कैसा है यहाँ पर। कल के आज से तो फ्रेंड्स पापा यहाँ पे अकेला रहती है रहता है तो इसलिए ऐसा हालत है घर का। तो फ्रेंड्स इधर देखो सब कुछ चेंज हो गया। पहले कुछ और था और अब कुछ और है। अब उधर जाके दिखाएंगे आप लोगों को उधर क्या है। यहाँ पे मेरा बहुत यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ से। मतलब वो भी क्या दिन था। हम बहुत खेलती थी, बहुत यहाँ पे बैठ के अकेला खेलती थी। मम्मी सारा टॉयज निकाल के देती थी और मैं अकेले खेलती थी यहाँ पे बैठ के। तो फ्रेंड्स मैं ना यहाँ पर ही हुई हूँ पैदा, मतलब मेरा उड़ीसा में पैदा हुई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये घर जैसा भी है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बचपन यहाँ पे बीती है। मैं जब छोटी थी तब यहाँ पे रहती थी। उसके बाद वहाँ पे कलकत्ता में चले गए पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। यहाँ के लोग बहुत अच्छा है। यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है। मतलब जैसा लगता है मैं कहाँ आ गई हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने की। और यहाँ पे मैं जहाँ पे खेलती थी सब कुछ, मतलब
मेरा बचपन यहाँ से जुड़ा हुआ है। कलकत्ता में तो बड़ा बड़ी होके गई और यहाँ पे, लेकिन सब कुछ चेंज हो गया इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। फ्रेंड्स यहाँ पे आंटी अंकल बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। मेरा दीदी आंटी को माँ बुलाती थी। मेरा पापा कैसे रहता है यहाँ पे उड़ीसा में, हम दिखा दिया आप लोगों को। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलेंगे एक फिर न्यू वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय।